माना कि पत्नी आदमी की ताकत होती है, लेकिन पड़ोसन भी किसी दिव्य शक्ति से कम नहीं होती। हम गांव के लोग आंधी तूफान से इसलिए डरते हैं क्योंकि उसके आने के बाद गांव में 2-3 दिन तक लाइट नहीं आती। घरवाली की किचकिच से सब पति परेशान है, पर फिर भी कोई गूंगी से शादी करने को तैयार नहीं होता है। संसार के सबसे बड़े पापी वो लोग होते हैं जो दिल जलाने वाली बात कहकर बोलते हैं, देख भाई बुरा मत मानना। अरे तेरे जुल्मों का जरिया हो गया हूँ, ये गर्मी कुछ तो रहम कर, मैं बहुत करिया हो गया हूँ। माना कि पत्नी आदमी की ताकत होती है, लेकिन पड़ोसन भी किसी दिव्य शक्ति से कम नहीं होती। पड़ोसन को जब भी देखो, जितनी बार भी देखो, वो हमेशा अच्छी ही लगती है। और वहीं जब अपनी बीबी को देखो, जितनी बार भी देखो, वो हमेशा बुरी ही लगती है। अरे हर तरफ ये गूंज है, अब की बार 50 पार, अब की बार 50 पार। ऐसे क्या देख रहे हो, मैं गर्मी की डिग्री की बात कर रहा हूँ। जानते हो इतनी आधी तूफान क्यों आ रही है? क्योंकि सबकी बीबियां मायके गई थी, अब धीरे धीरे वापस आ रही हैं। हे सूर्यदेव, ये सब क्या है? कहीं हम लोगों को बिना तेल की ही फ्राई करने की इच्छा तो नहीं? थोड़ी नरमी दिखाओ प्रभु। ए ठंड, मैं तेरा कर्जा चुका रहा हूँ। इस भीषण गर्मी में एक ही दिन में 3-3 बार नहा रहा हूँ। गांव की लड़की से शादी करने से एक समस्या होती है, अगर रोमांटिक होकर अपना सर उसके गोदी में रखो तो जुए देखने लगती है। हर चीज में कमी निकालने वालों, गर्मी में कोई कमी हो तो बताओ।